मेरे प्यारे देशवासियों, आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा, बुके नहीं बुक। मेरा आग्रह था कि क्या हम स्वागत सत्कार में फूलों के बजाय किताबें दे सकते हैं। तब से काफी जगह लोग किताबें देने लगे हैं। कहते हैं किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, और ये सिर्फ कथन नहीं सच भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पठन पाठन से बेहद लगाव है, इसलिए उन्होंने लोगों से बुके नहीं बुक का आह्वान किया था। पीएम मोदी चाहते हैं कि लोगों में पठन पाठन की आदत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न सिर्फ पुस्तकों से लगाव है, बल्कि पुस्तक लेखन के मामले में तो वो देश के कई प्रधानमंत्रियों से आगे निकलते नजर आते हैं। पुस्तकों से उनका ये प्रेम नया नहीं है, बल्कि उस वक्त का है जब वो वडनगर की कुमार प्राथमिक शाला में पढ़ते थे, यानी बचपन से ही। नरेंद्र मोदी जब कहीं नहीं पाए जाते थे तो उनकी खोज अक्सर लाइब्रेरी में की जाती थी, क्योंकि अमूमन वो वहीं बैठे किताब पढ़ते मिल जाते थे। नरेंद्र मोदी के 1969 में संघ परिवार से नाता जोड़ने के बाद उनका पुस्तक प्रेम बढ़ने लगा। उनकी पहली लिखी पुस्तक संघर्ष माँ गुजरात आपातकाल खत्म होने के तुरंत बाद प्रकाशित हुई। नरेंद्र मोदी उस समय महज 28 साल के थे। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी की सलाह पर नरेंद्र मोदी ने ये किताब लिखी थी। गुजराती में लिखी गई किताब संघर्ष माँ गुजरात इमरजेंसी के दौरान भूमिगत रहने वाले नरेंद्र मोदी की आंखों देखी के साथ ही उन तमाम दस्तावेजों, किताबों और अखबारों पर भी आधारित है जिनमें इमरजेंसी से जुड़ी हुई भयावह कहानियां मौजूद हैं। किताब के लिए सैकड़ों की तादाद में लोगों का साक्षात्कार भी किया गया था। गुजराती में छपी उस पुस्तक का लोकार्पण गुजरात में संयुक्त मोर्चा की तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री बाबूभाई जसभाई पटेल ने किया था। यही किताब बाद में आपातकाल में गुजरात के नाम से हिंदी में प्रकाशित हुई। बीजेपी की गुजरात इकाई में संगठन महामंत्री के तौर पर प्रवेश करने के बाद नरेंद्र मोदी का न तो पुस्तक प्रेम रुका और न ही किताबें पढ़ने का सिलसिला। नरेंद्र मोदी ने अपने प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक लक्ष्मण राव इनामदार को लेकर सेतुबंध नामक पुस्तक लिखी। वर्ष 2001 में नरेंद्र मोदी और राजा भाई नेने ने मिलकर सेतुबंध पुस्तक लिखी थी। इसका प्रकाशन वर्ष 2001 में हुआ था। सेतुबंध में लिखा है, वक्त बदलता है, रूप बदलते हैं, लेकिन दानव और मानव के बीच संघर्ष चलता ही रहता है। यह संघर्ष अंतर्मन से लेकर चराचर सृष्टि तक व्याप्त है, तभी तो निर्माण करने पड़ते हैं सेतु युग के अनुकूल। मुख्यमंत्री बनने के पहले जहां उनकी दो पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, वहीं करीब 13 साल तक मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनकी 9 किताबें प्रकाशित हुई। इन किताबों में जलवायु परिवर्तन को लेकर लिखी गई किताब कन्वीनियंट एक्शन और आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारकों को लेकर लिखी गई किताब ज्योतिपुंज भी शामिल है। ज्योतिपुंज पुस्तक मूल रूप से देश के उन गौरवों की गाथा है जिनसे नरेंद्र मोदी को प्रेरणा मिली है। नरेंद्र मोदी ने उन नेताओं से क्या सीखा, इसके बारे में इस किताब के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। ज्योतिपुंज में विवेकानंद जी, माधव राव, सदाशिव राव गोलवरकर जी, वकील साहब लक्ष्मण राव इनामदार जी, मधुकर राव भागवत, अनंत राव काले, केशव राव देशमुख जैसे कई महापुरुषों से पीएम मोदी को मिली प्रेरणा की कथा है। पहले यह पुस्तक मराठी और गुजराती भाषा में उपलब्ध थी, लेकिन अब यह पुस्तक हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। ज्योतिपुंज की प्रस्तावना में पीएम मोदी लिखते हैं, जीवन का हर पल और शरीर का हर कण मातृभूमि की सेवा में अर्पण कर देने वाले ऐसे समाज शिल्पियों को शायद ही याद रखा जाता है, लेकिन उनकी सुगंध आज भी फैल रही है। कभी कभी ऐसे जीवनों की स्मृतियों को याद करने से भी नई प्रेरणा का संचार होता है, और इसलिए अंतर्मन के आनंद के लिए इन समाज शिल्पियों के जीवन के सुगंध को शब्दबद्ध करके पुस्तक के रूप में प्रकट करने का विनम्र प्रयास किया है नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनकी आखिरी पुस्तक साक्षी भाव थी। एक कठोर प्रशासक के रूप में जाने जाते रहे नरेंद्र मोदी के कवि हृदय होने की झलक उनकी डायरी साक्षी भाव में दिखती है। इसमें उन्होंने देवी माँ के साथ संवाद के रूप में अपने भाव कविता के रूप में लिखे हैं। हालांकि इस डायरी के कई पन्ने खुद नरेंद्र मोदी ने पहले ही जला दिए थे, लेकिन उनके मित्र व प्रचारक नरेंद्र भाई पंचासरा ने शेष अंश बचा लिया। जीवन के उतार चढ़ाव का वर्णन करते हुए उन्होंने ऐसे कई शब्द कहे हैं जो आज भी प्रासंगिक है। डायरी के एक पन्ने पर उन्होंने खुद से की जा रही अपेक्षाओं की बात की है। जैसे साक्षी भाव में नरेंद्र मोदी ने लिखा है, जिस आशा आकांक्षा और विश्वास के साथ मुझे यह काम सौंपा गया है, सबकी आकांक्षा की पूर्ति के लिए सच में निमित्त बन सकूंगा।
जाहिर है पीएम मोदी ने ये लोगों के अटूट विश्वास और सौंपी जा रही जिम्मेदारियों को देखते हुए खुद से प्रश्न किया होगा। साक्षी भाव नरेंद्र मोदी के हृदय की गहराइयों से निकले भाव को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी की एक और पुस्तक है जो पठनीय है, दलितों के साथ नरेंद्र मोदी के जीवन के अनुभवों के एक प्रेरणादायक वृत्तांत के रूप में गुजराती और हिंदी में प्रकाशित पुस्तक सामाजिक समरसता, मुख्यतः जाति समुदाय और लिंग की बाधाओं से ऊपर उठकर पूर्ण सामाजिक समग्रता प्राप्त करने पर नरेंद्र मोदी के विचारों, लेखों और भाषणों का संकलन है। यह किताब भारत के दलितों की सामाजिक स्वतंत्रता पर डॉक्टर बाला साहेब अम्बेडकर के विचारों को और आगे ले जाती है। सामाजिक समरसता पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे महान पुरुषों के जीवन की घटनाओं के माध्यम से भारत के जाति के आधार पर वर्गीकृत समाज को संबोधित किया गया है, जो कई सामाजिक आंदोलनों के बावजूद अभी भी वैसा ही है। शोषितों के प्रति नरेंद्र मोदी के दया भाव को इस पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से उकेरा गया है। इस किताब में सामाजिक सद्भावना बनाए रखने के लिए अनिवार्य तत्वों को भी समाहित किया गया है। सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने से लेकर ग्राम विकास और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर चर्चा करने और स्वास्थ्य लाभ, रोजगार के अवसरों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सशक्त बनाने से लेकर एक समान और सशक्त समाज तक, किताब में नरेंद्र मोदी के सामाजिक समरसता के विजन का एक स्पष्टवादी संकलन इस पुस्तक में है, जो सामाजिक सद्भाव की भावना को जगाने के उनके प्रयासों का एक प्रतिबिंब है। नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी किताबों की कुल संख्या करीब 13 हो चुकी है और इसमें दूसरी भाषा में अनुवादित हुई उनकी किताबों को जोड़ दें तो कुल संख्या लगभग 27 पहुंच जाएगी। पीएम मोदी की किताबें अंग्रेजी के अलावा तमिल और बांग्ला जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवादित हुई हैं। मोदी जी बोले, एग्जाम से मत डरो, वरिया नहीं वॉरियर बनकर लड़ो। नरेंद्र मोदी बतौर पीएम एग्जाम वॉरियर्स किताब लिख चुके हैं। एग्जाम वॉरियर्स युवा छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइब्रेरी के बारे में भी बहुत ही कम लोगों को पता है। हाल ही में 15,000 नई किताबें उनकी लाइब्रेरी में शामिल हुई हैं। ये किताबें दुनिया की सभी प्रमुख भाषाओं में हैं। पीएम मोदी जब विदेश प्रवास पर होते हैं तो उनके पुस्तक प्रेम को जानते हुए मेजबान शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष उन्हें किताबें भेंट करते हैं। दुनिया भर में उनके चाहने वाले भी उन्हें किताब भेजते रहते हैं। ऐसे में पीएम मोदी की लाइब्रेरी में किताबों की संख्या अब 25,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। गांधीनगर के एक बंगले में नरेंद्र मोदी की निजी लाइब्रेरी की देखभाल करने का काम उनके साथ पहले काम कर चुके हितेश पंड्या संभालते हैं और पूरा डाटाबेस तैयार रखते हैं। किताबों के साथ ही पीएम मोदी की निजी लाइब्रेरी में उनके तमाम भाषणों की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ही हर मौके पर खींची गई तस्वीर भी मौजूद हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी तक हुए करीब 6,000 से ज़्यादा कार्यक्रमों के दौरान खींची गई करीब 4,00,000 से भी ज़्यादा तस्वीरें और 3600 से ऊपर वीडियो CD भी उनकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। हर 2 महीने में नरेंद्र मोदी अपनी इस लाइब्रेरी में उन किताबों को भेजते रहते हैं जिनकी ज़रूरत उन्हें नहीं रहती, और कई बार ज़रूरत पड़ने पर पुरानी किताबों को वापस भी मंगा लेते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी के पठन पाठन में कोई कमी नहीं आई है। अब भी देर रात तक पढ़ने के लिए वो समय निकाल ही लेते हैं। पीएम मोदी अब तक न जाने कितनी किताबों का लोकार्पण कर चुके हैं और पीएम मोदी के ऊपर देश विदेश के लेखकों ने कई किताबें भी लिख दी हैं। जीवन में नव ऊर्जा नव प्रभात है, भविष्य निर्माण के लिए किताब है।